आज मैं इस बाइक का नया व्हील चेंज करूंगा, ये गारंटी में है। नया व्हील लेके आए हैं, ये है नया व्हील। इस नए व्हील को इसमें शिफ्ट करना है। ये होंडा की बाइक है, बड़ी है भाई, कंपनी गाड़ी है, लेबर कस्टमर मानता नहीं है, ये काम हुआ है। ये हब बोल्ट नहीं है तो इसको बहुत सावधानी से निकालना, नहीं तो सारा सिस्टम बाहर आ जाएगा। इसको धीरे धीरे बाहर निकालना। ये प्लास्टिक का कवर है, इसका चैन कवर पूरा बाहर नहीं, एक्सल को निकालना है। इसको इसी पे रोक देना है जिसपे ये सारा सिस्टम पीछे का रुका रहेगा। इधर आ जाओ, इसे अंगूठे से दबा के रखना है, फिर इसको बाहर निकालना है। फिर ये ड्रम प्लेट को बाहर निकाल के इसको बाहर कर लेना है। जब वीडियो बनाऊंगा तब ये ऐसा सीन होता है। इसमें लिक्विड थोड़ा जरूर डाल देने का, ये इतना बैंड हो गया है इसलिए चेंज हो रहा है। इतनी बार इस टायर को ऐसे साफ कर लेना है, इसकी किनारी बढ़िया से साफ कर लेना है और उस पर ऑयल लगाना है। जितने बार आप खोलते हो खोल सकते हो, उतने बार इसमें खोल के ऑयल लगाना जरूरी होता है। अब ये नया टायर जिम है, इसमें फिट करेंगे। ये पुराना एरो का निशान देख लेंगे, ये है एरो का निशान, इसको पलट देंगे। हम रोड साइड मैकेनिक हैं इसलिए थोड़े हमारे जूते इतने गंदे होते हैं, इनमें जिम में कचरा आ जाता है, इसलिए साफ सफाई से जरा करने का काम। ये टायर बैठेगा तो दो बार आवाज आती है, दो बार आवाज आ गई। दोनों साइड की किनारी जब बैठती है तो आवाज आती है दो बार। इसमें हमने 40 पॉइंट हवा भर दी है, बाकी ये वाल चेक कर लेना है। वाल को एक बार बढ़िया से टाइट कर लेंगे और फिर चेक कर लेंगे और इसका ऊपर कैप लगा देंगे। इधर दिखाओ, जब हमें फिट करना होता है तो ये रोटेशन जरूर देखना होता है टायर में। कुछ टायर होते हैं कि चाहे उसको जिधर मर्जी फिट कर लो, लेकिन कुछ इसमें रोटेशन दिया होता है तो उसी हिसाब से इसको सेट करना होता है। तो हमने इसको इधर से लगा दिया है और इसमें लगाएंगे कपलिंग रबड़, चार प्रकार चार है, चार की इस तरफ आ गया बड़े, इसको हम लगा देंगे। इधर आ जाओ, चीज़ है ड्रम प्लेट, इसको आराम से अंदर डाल देंगे। अब इधर आ जाओ, सहारा लेके आराम से एक्सल को अंदर कर देने का, नहीं तो ये पूरा सिस्टम जब गिर जाता है ना तो फिर दिक्कत आती है इसको सेट करने में।
लगा देंगे। ये लॉक है इसमें, ये लॉक है इसमें लगा देंगे हीरा पिन। हीरा पिन डाल करके हल्का से इसको फैला दीजिएगा इस तरफ से। ए भैया ब्रेक को लगाइए, दबाइएगा, छोड़िएगा छोड़िएगा, चाप के रखिएगा ऐसे, ब्रेक को दबा करके फिर आप इसको टाइट कीजिएगा। आपको अगर मेरा काम ये सही लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।